हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आशा करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं लगभग 9 बज रहा था और मुझे आज वो पराठा वगैरह वो सब कुछ भी खाने का मन नहीं किया, तो मैं सिंपल सा अभी ब्रेड टोस्ट बना रही हूँ। बस बटर जाम लगा के खा लूँगी, तो बस वही बना रही थी। कभी कभी ऐसा सिंपल भी खा लेना चाहिए। हमेशा नाश्ता में कितना वो पराठा, उपमा, पूरी, पोहा वगैरह हर टाइम खाने का मन नहीं करता। चाहिए तो बस वही, मैं आज सिंपल ही खाने का मन किया तो बस वही सब सिंपल भी, और लंच भी मैं सिंपल ही बनाऊंगी सोच रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं है, बस बहुत ही कम जो आइटम बनाऊंगी और पूरा सिंपल बनाऊंगी। और आज पूरा जो मौसम है, मैं तो ऐसे भी पूरा दिखा ही रही हूँ वीडियो में, पूरा जो मौसम है अभी लगभग ना 5-6 दिन से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम करा हुआ है। मतलब बारिश भी थोड़ा थोड़ा देता है, धीमा धीमा देता है, बट जो हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चल रही है। एनी टाइम हवा ही चलते रहती है। और मेरा बेडरूम, जैसे मैं बोली थी कल, पूरा खिड़की बड़े बड़े है, वहाँ से इतना अच्छा हवा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा पूरा मन फ्रेश लगता है। तो कितना हवा चल रहा है, देखिए पूरा मेरा जो कर्टन्स वगैरह है ना, पूरा ऐसे उड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था। और बस मैं थोड़ा सा खा ले रही थी, ब्रेकफास्ट कर ले रही थी। और ना मुझे अभी सब ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से, ये दोपहर का टाइम है, तो मैं ना ये जो डब्बे वगैरह जो इसमें से कुछ जो सामान मैं रखती हूँ ना, जो ख़त्म हो जाता है तब मैं इसको तुरंत धो लेती हूँ, तो मुझे बर्डन नहीं होता है, तुरंत धो लेती हूँ। वही सबको पोछ के रख रही थी मैं। तुरंत धो लेने से ना पूरा काम हल्का रहता है, ज़्यादा काम नहीं लगता है। तो मेरा डिब्बा में जो डब्बे में जो भी सामान रहता है, वो जब भी ख़त्म होता है ना, मैं तुरंत तुरंत उसको धो लेती हूँ। और बर्तन वगैरह से स्टैंड में रखने से तो पानी निकल जाता है, बस ये जो चीना माटी के जो बर्तन होते हैं, डिनर सेट वगैरह होते हैं, उसी को मैं पोछ पाछ के रखती हूँ। और स्टील के बर्तन ऐसे स्टैंड में रखने से वो पानी छन के निकल जाता है। तो बस वही पोछ रही थी, मैंने धो लिया था ना सुबह, तो धो के रखा था। और ये डिनर सेट का जो छोटा वाला थाली होता है, उसको मैं निकाली थी, तो उसी को पोंछ रही थी, पोंछ के रख रही थी। और स्टील का बर्तन नहीं पोंछूंगी, जस्ट उसको स्टैंड में रख दूंगी। और ऐसे ही एक डब्बा में से मेरा बेसन ख़त्म हो गया था पूरा, तो उसको खाली हो गया था, तो ये डब्बा को भी मैं धो ले रही हूँ। हाँ, तो अभी मैं बस वही धो रही थी, वॉश कर रही थी। और अभी फटाफट से लंच का तैयारी कर लूँगी। लंच में सिंपल सा चावल, दाल और परवल आलू का लटपटा सब्जी ही बनाऊँगी, विदाउट ऑनियन गार्लिक का, बिना प्याज लहसुन का सब्जी बनाऊँगी। तो वही तैयारी करने में अभी वही तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं परवल आलू को कट कर रही हूँ, फ्रिज से अभी निकाला है, बस उसी को वॉश कर रही थी और उसको कट कर लूँगी। वही कट कर रही थी। और चावल मैंने बिठा दिया है, मैं हमेशा चावल को इंडक्शन में बिठाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसे भी अरवा चावल है जल्दी बन जाएगा, तो फिर भी मैं उसको इंडक्शन में बिठा दी हूँ। और गैस में दो तरफ, एक तरफ दाल एक तरफ सब्जी, तो फटाफट से तीनों आइटम फटाफट से बन जाएगा। ये जो लंच मैंने बनाया ना, 40 मिनट्स के अंदर सब बन के तैयार हो गया। और इधर मैं कढ़ाई भी बिठाई हूँ और कुकर भी बिठाई हूँ दाल के लिए। बस अभी पानी गर्म हो गया था दाल का, तो मैं दाल ऐड कर दी, स्वाद अनुसार हल्दी नमक ऐड कर दूंगी, और जो मैंने टमाटर छोटे छोटे काट के रखा था ना, उसको ऐड कर दूंगी, ताकि ना कलर अच्छा आता है छोटा छोटा टमाटर कट करके ऐड करने से दाल में। और थोड़ा रिफाइन ऑयल ऐड कर दूंगी, ताकि ये उतरे ना दाल में, थोड़ा थोड़ा कभी पानी ज़्यादा हो जाने से उतर जाता है ना कभी कभी,
तो दाग हो जाता है तो गंदा दिखता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड करती हूँ और इसको लगा दूँगी सीटी। और इधर सब्जी का तैयारी कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फटाफट बनने वाला सब्जी है, सिंपल सा विदाउट ऑनियन गार्लिक का तेल। मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है, और कोई भी जो विदाउट ऑनियन गार्लिक का रहता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ उसमें हींगू मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। आप लोग मेरा पहले वीडियो में भी देख सकते हो, विदाउट ऑनियन गार्लिक का सब्जी में मैं हींगू ज़रूर ऐड करती हूँ, वही हींगू ऐड कर रही थी। अभी थोड़ा अदरक को कूट के रखा था मैंने, उसको ऐड कर लिया। मैंने सब सब मसाला डाल दूंगी और फटाफट से उसको भून लूंगी, और बस भून भान के बैठा दूंगी। और बस वही जीरा ऐड करी मैंने थोड़ा, और टमाटर ऐड करूंगी थोड़ा। और अभी टमाटर डालने से ही मैं नमक ऐड कर देती हूँ अपने जो अनुसार, जो सब्जी को देख के जितना क्वांटिटी चाहिए मुझे, मैं नमक ऐड कर देती हूँ ताकि वो ना पक जाता है, टमाटर के ऊपर नमक डालने से पक जाता है। और बस जो हल्दी और मिर्ची का पाउडर और थोड़ा एवरेस्ट का सब्जी मसाला जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, उसको डाल के भून रही हूँ। बस भून लूँगी उसको अच्छी तरीके से, देन जो कटा हुआ वेजिटेबल्स है, परवल आलू है, उसको मैं ऐड कर दूँगी। आप लोग देख सकते हो ये पूरा लगभग भून चुका है, अभी मैं परवल आलू को ऐड कर दूँगी। वही परवल आलू को ऐड कर लिया और जस्ट इसको भूनूंगी, और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी देख के, थोड़ा थोड़ा मिनट में, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में इसको ढक ढक के भून लूंगी, ये पक जाएगा। पानी तो ज़्यादा ऐड करना है नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी जैसे कि ये लटपटा बने। तो बस वही दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको ढक ढक के भून लूंगी। और इधर मैं टीवी देखने आ रही थी, अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैं बस टीवी देखने के लिए रूम में आ रही थी। और अभी मेरा सब कंप्लीट हो गया था, खाना वगैरह, मतलब आफ्टरनून कंप्लीट हो गया था। मैंने थोड़ा रेस्ट लेके उठा, और ये ट्राइपॉड दिखा रही है जो कि मैंने पहले बोला था आप लोगों को पहले वाला वीडियो में, दिखा रही हूँ। देखो इसका जो ये जो टाइगोट का ट्राइपॉड है, ये मैंने जो इसका हाइट ऐसे एडजस्टेबल है, वो लेग है इसका, मैं दिखा रही थी उसको कैसे खुल सकता है, उसका नोट भी दिया गया हुआ है, तो बस वही दिखा रही थी। और अभी ये जो हैंडल दिया है ना, 360 डिग्री पूरा मूव कर सकता है, इसका 3 लेग है, बीच में एक जो लेग है ना वो हाइट के लिए दिया गया है, और जो तीनों लेग है वो पूरा एडजस्टेबल है। हाइट पूरा इसका कितना हाइट है पूरा एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पा रही हूँ, पर इसका हाइट के लिए वो 3 लेग दिया गया है, उसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और ये मोबाइल होल्डर है, मोबाइल होल्डर है उसमें ऊपर लगेगा जो मैं अभी पकड़ी हूँ, और ये स्क्रू दिया गया है, इसका ना वाशर नहीं दिया हुआ है। मैं वही बोल रही थी, मैं पहले वाला वीडियो में स्क्रू बोली ना 1/4 इंच का, पर स्क्रू दिया गया है पर उसको वाशर नहीं दिया हुआ है जिसमें वो फिट होता है, इसी की वजह से नहीं फिट नहीं हो रहा है। 2 वाशर नहीं दिया हुआ है जिसकी वजह से जो स्क्रू है फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो मोबाइल होल्डर है वो भी फिट नहीं हो रहा है, और जो बीच का लेग दिया गया है ना वो भी फिट नहीं हो रहा है। वो जो एडजस्टेबल है बीच का लेग, वो ना हमेशा ऐसे लूज हो जा रहा है, अगर वो स्क्रू पूरा टाइट हो जाता ना वो लूज नहीं होता, पर वो तो दिया नहीं है इसीलिए लूज हो रहा है। वही मैं दिखा रही थी, देखो इस यही होल में लगेगा स्क्रू जिसके लिए वो असर चाहिए, ये नहीं हो रहा है फिट, गिर जा रहा है। मैं तो रिटर्न कर ही दूंगी उसको, रख के क्या फायदा, कुछ यूज ही नहीं आएगा ठीक से। बस वही बोल रही थी, मोबाइल होल्डर को ऊपर में रखना है, स्क्रू का नहीं दिया है, वही बता रही थी पूरा। और बता रही थी देखो बीच का जो लेग है वो एडजस्टेबल माने हाइट के लिए दिया गया है, पर ये लूज हो रहा है, ये जो वाशर के वजह से टाइट नहीं हो पा रहा है स्क्रू, उसकी वजह से ये लूज हो जा रहा है। वो यही होल में ये लगेगा ना, पर फिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। वही दिखा रही थी कितना लूज हो रहा है बोल के, मेरा मूड खराब करके रख दिया था मेरा पूरा।
छोड़ो कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न तो कर ही दूंगी, रख के क्या फ़ायदा, काम ही नहीं देगा कुछ। हाँ तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो गए हैं, मेरे हस्बैंड शाम को ही आ गए थे और छत्तू वगैरह सब, मशरूम वगैरह सब लेके आए थे, तो मशरूम पकोड़ा बनाई थी और रात को उसी वही पकोड़ा को, जो मशरूम का जो पकोड़ा बनाई थी उसी को चिल्ली बना दी सॉस वगैरह दे के, हो गया। ऐसे भी तो पहले फ्राई करके निकालना पड़ता है ना चिल्ली बनाने के लिए, तो वो तो पहले से ही मैं पकोड़ा बना ही दी थी, बस उसको सॉस उस डाल दी तो बस चिल्ली बन गया। डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और तो वो ट्राईपोड दिखाई, उसको रिटर्न कर दूंगी, मैं रिटर्न कर दूंगी वो पूरा। मेरे हस्बैंड भी बोले इसको रिटर्न कर दो, मैं रिटर्न कर दूंगी उसको। और क्या बोल रही थी, आज पूरा सुबह से तो मैं सिंपल खाई थी तो इसीलिए अभी हम लोग पूरा मशरूम वगैरह चिल्ली बना के खाए। और एक मशरूम मेरे हस्बैंड लेके आए हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं या कोई भी उड़ीसा में भी होता है, सब जगह होता है, पर मैक्सिमम ना जो पहाड़ी इलाका रहता है ना, पहाड़ी इलाका उधर ज़्यादा होता है। ओके तो ना झारखंड में ये बहुत होता है, तो मैं जहाँ मेरा जो मेरा मम्मी पापा का जहाँ घर है बारीपदा ओडिशा में है, वो ना पूरा झारखंड का बॉर्डर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, बारीपदा पूरा झारखंड का ही बॉर्डर है। तो हम लोग को वहाँ पर अब बारीपदा में भी झारखंड का भी बॉर्डर है, पूरा वही वेदर वगैरह वही आसपास का एरिया है ना, तो बारीपदा भी पूरा मतलब अच्छा, पूरा ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह, छत्तू मशरूम वगैरह बहुत ही अच्छा जो होता है वहाँ पर ही। तो वहाँ पर ही ना एक रुगड़ा बोलते हैं छत्तू, मैं कल उसका रेसिपी बनाऊँगी तो उसको दिखाऊँगी उसको, मतलब बहुत जगह हम लोग का उधर तो उसको रुगड़ा बोलते हैं, रुटका भी बोलते हैं, कितना ओडिया में उसको कुछ क्या बोलते हैं, फुटका छत्तू भी बोलते हैं, गोल गोल होता है, बाटी छत्तू भी बोलते हैं, मुझे वो बहुत ही पर्सनली बहुत ही पसंद है। ओके ऐसे भी मशरूम का वो कोई भी चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मशरूम बोलने से ही तो आर्टिफिशियल मशरूम हो गया बटन छत्तू, उसमें तो उतना मज़ा ही नहीं आता है, खाली जो वही पकौड़ा वगैरह और वही रबर जैसा लगता है। देसी छत्तू जो होता है ना, जो पुआल से निकलता है, उसका मजा ही कुछ और है। ओके और देसी चीज खाना भी चाहिए। ओके मैं तो सब तरफ फिट रहती हूँ, जब देसी बनना है देसी बन जाती हूँ, जब मॉडर्न बनना है मॉडर्न बन जाती हूँ। वही जो देसी वाला छत्तू रहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब टेस्टी लगता है, तो मैं अभी कल उसको दिखाऊंगी बाटी छत्तू उसका। हमारा बारीपदा तरफ या झारखंड तरफ उसका उतना रेट नहीं है, तभी अभी 200-300 रुपया किलो में मिलता है वो। ओके ये सीजन का टाइम है, बारिश के टाइम में ही होता है छत्तू भी, वैसे भी बारिश के टाइम में ही होता है, पर ना यहाँ पे मैं जहाँ भी रह रही हूँ वहाँ पर अभी उसका पूरा नहीं होता है वो उतना। इस बार कैसे मिल गया, मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ वो छत्तू नहीं मिल रहा है, मेरे पापा लाते हैं नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे को खाने का बहुत इच्छा कर रहा है। तो आज वो आते समय देखे एक जगह में, एक गांव में बेच रहा था कोई, ओके तो उसको लेके आए हैं और बहुत ही ज़्यादा आदमी भीड़ थे। यहाँ पर उसका रेट है 1200 रुपये किलो, 1200 पर केजी, कोई छत्तू का रेट इतना होता है 1200 रुपये किलो। तो वो लेके आए हैं, उसका कल मैं बनाऊंगी रेसिपी, तो दिखाऊंगी बाटी छत्तू किसको बोला जाता है। ओके तो बस मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होता है, तो ज़रूर मेरा वीडियो ऐसे देखते रहे, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।